कल 10 नवंबर 2024 को सोनवर्षा राज थाना के अंतर्गत वादिनी मंजुला देवी पति भागीरथ सादा जो कि मैना के रहने वाले हैं वार्ड नंबर 1 के, इनके द्वारा यह सूचना दिया गया कि इनके घर से 2 नाबालिग बच्चियों को चांदनी कुमारी नाम की जो है एक महिला बहला फुसला कर छल पूर्वक अपहरण करके ले गई है। और ये चांदनी कुमारी इनके घर में वादिनी के घर में पिछले 3-4 दिनों से ये रह रही थी और वहां रहकर काम कर रही थी। तो इस घटना की सूचना जब थाना अध्यक्ष सोनवर्षा राज को प्राप्त हुई, इसकी सूचना तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी गई और पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के नेतृत्व में उनके निर्देशन में एक टीम बनाई गई सोनवर्षा राज थाना की, और उसमें जो है जिला की जो है टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया। इस टीम के द्वारा जो है इस घटना को तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए और 12 घंटे के अंदर जो है हमारी सोनवर्षा राज थाने की पुलिस टीम के द्वारा इसमें दोनों अपहृता की बरामदगी सुपौल जिला के अंतर्गत राघोपुर थाना से कर ली गई है। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 घंटे के अंदर दोनों जो अपहृता बच्ची थी उनकी बरामदगी की गई है। और इसमें जो है सोनवर्षा राज थाना में इसमें एक कांड भी दर्ज किया गया 221-24, और इसमें जो 201-24 कांड दर्ज किया गया है। और अपहरण इसमें जो अपहृता अपहरण करने वाली जो चांदनी कुमारी जो थी मुख्य अभियुक्त, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें जो और लोग भी अगर संलिप्त हैं तो उनकी हम लोग अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चांदनी कुमारी के बारे में अभी पूछताछ किया जा रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से ही सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र में जो है रह रही थी। इनके बारे में जो है ज्यादा इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करके ये एक जगह अपना पहचान छुपा कर रह रही थी।